विद्युत संविदा कर्मियों के द्वारा कल शाम अनुमति रैली निकाल घेराव किए जाने की कोशिश को रोकने के लिए पुलिस बल द्वारा स्मार्ट सिटी कार्यालय के पास रोका गया था। आंदोलनकारी वही सड़क पर बैठ गए। समझाने के काफी प्रयास के बाद भी नहीं माने। रात भर रोड बाधित करके सड़क पर बैठ गए, जिससे आने जाने वालों को काफी परेशानी हुई। उग्र प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए अलग अलग टुकड़ों में होकर शासकीय संस्थान के घेराव का प्रयास करने लगे, जिसे पुलिस बल द्वारा रोका गया। बिना अनुमति आंदोलन कर रहे लोगों को खदेड़ा गया। कुछ मुख्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल परिसर ले जाया गया है। आवागमन बाधित करने का अपराध दर्ज किया गया है। विद्युत संविदा कर्मचारियों के द्वारा लगभग एक माह से धरना किया जा रहा है, जिसमें उनकी मांगों को लेकर CSPDCL के अधिकारियों एवं प्रशासन के अधिकारियों से कई बार चर्चा हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि संविदा कर्मियों की 5 में से 3 मांग पर कार्रवाई करते हुए संविदा वेतन बढ़ाना, कार्य के दौरान दुर्घटना में उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति, मृत्यु के स्थिति में मुआवजा संबंधी मांग मानी जा चुकी है तथा क्रियान्वयन आदेश भी जारी हो चुका है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में नियमितीकरण की प्रक्रिया निरस्त की गई थी, जिससे संघ को बैठकर अवगत भी कराया गया तथा हड़ताल समाप्त करने का अनुरोध भी किया गया। संघ को यह भी बताया गया कि श्रम न्यायालय द्वारा हड़ताल को अवैध घोषित करते हुए पुनः कार्य पर उपस्थित होने के निर्देश एवं संबंधित को दिए गए हैं। फिर भी उनके द्वारा उग्र आंदोलन कर बार बार व्यवस्था बिगाड़ी जा रही है। अलग अलग दिन 5 बार इनके द्वारा सड़क पर बैठकर आवागमन बाधित किया गया है, जिससे आसपास के रहने वालों में काफी आक्रोश भी है।